अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फहद बलोच है और आज मैं जो है वो कार एक्सीडेंट केस में जो है वो कुछ अपडेट्स आपसे शेयर करूँगा जो कि सोशल मीडिया पे वायरल चल रही हैं बहुत, जिसमें अफवाहें हैं, जिसमें बहुत सी चीज़ें हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ जो प्रोटेस्ट हुए उसमें कराची प्रेस क्लब में मैंने शिरकत की थी, जिसमें हमारे साथ बैरिस्टर उज़ैर गौरी साहब भी थे जो कि इस केस के वकील हैं ऑफिशियल, और लड़की के आमना आरिफ के जो चचा हैं इम्तियाज़ आरिफ भाई वो भी थे। और मैं आपसे ये चीज़ शेयर करूं कि इसके अंदर एक फेक इमेज चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बनी हुई, जिसमें जो है वो खातून एक तरीके से जो है ना वो विक्ट्री का निशान दिखा रही हैं ऐसे करके यूँ। तो मैं आपको ये बता दूँ कि उस विक्ट्री के निशान का जो है वो हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, और एक अपडेट यह है कि वो दुबई चली गई हैं, फला फला ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जेल में हैं, कराची यूथफुल ऑफेंडर इंडस्ट्रियल स्कूल जो हमारा वुमेन और जुबनाइल का जेल है, सेंट्रल जेल के अंदर वहाँ पे वो हैं। फिर एक डेवलपमेंट ये भी देखी गई कि बताया ये गया कि उनको जो है वो जेल के अंदर चार नौकर दे दिए गए हैं, या जो भी जो मतलब न्यूज़ चल रही थी इधर उधर। तो मैं ये बताऊं कि अभी तक ये चीज़ वेरीफाई नहीं हुई है कि उनको कौन सी क्लास दी गई है जेल के अंदर। रूल्स के तहत जेल के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं कि दे दी जाती हैं कैदियों को, लेकिन कल इस पे जो है वो सुबह बैरिस्टर उज़ैर गौरी साहब जो हैं वो खुद मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लगाएंगे कि अगर ऐसी कोई क्लास उनको दी गई है तो क्यों दी गई है, और अगर नहीं दी गई तो वो भी जेल पुलिस जो है वो उनको मजिस्ट्रेट साहब को बताए। तो ये चीज़ तो सुबह क्लियर हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ एक और आपको ये बताता चलूँ कि इन सब चीज़ों से जो है ना वो हमें परेशान नहीं होना है। ये सब हम पाकिस्तान में रहते हैं, इस मुल्क में इन सारी चीज़ों का हिस्सा है कि जेल में ये हो गया वो हो गया। पुराने शाहरुख जतोई केस को जो है वो इससे कनेक्ट किया जाता है कि शाहरुख जतोई का क्या हो गया 12 साल पहले, जो एक शाहजेब खान का मर्डर हुआ था। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि 12 साल पहले उस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन में भी मैं था। शाहिद हयात साहब अल्लाह उनको हरी के रहमत करे, जो DIG साउथ थे उस वक्त, जो बाद में कराची पुलिस चीफ रहे, उसके बाद वो जो है वो इंतकाल कर गए जॉइंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो के पोस्टिंग के दौरान। तो मैं उनका बहुत करीबी साथी रहा हूँ और उस केस में हमने साथ काम किया था, और मैं वो वाहिद इंसान था जिसने शाहरुख जतोई की जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल की थी, क्योंकि उस वक्त शाहिद हयात के टाइम में सिंध पुलिस के कुछ सोशल मीडिया का कंट्रोल जो है वो मेरे हाथ में था। तो इससे घबराना नहीं है, हमने उस केस में भी काम किया, हम इस केस में भी काम कर रहे हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि शाहिद हयात साहब की गैर मौजूदगी में इस केस को देखते हुए मैं बड़ा इनसिक्योर हूँ, क्योंकि शाहिद हयात साहब की वजह से ही शाहरुख जतोई ने जो जेल काट ली ना वो इतनी काट ली। वरना अगर कोई और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, या जैसे इस केस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नज़र आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी लंबी जेल वो काट पाता, वो बहुत पहले निकल जाता। लेकिन शाहिद हयात साहब ने उसके खिलाफ केस ऐसा बनाया था, और एक निडर और बेबाक अफसर थे वो, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मैं उनको बड़ा याद करता हूँ हमेशा, जब भी किसी बड़े केस में काम करता हूँ, क्योंकि मुझे फ़र्क पता चल जाता है कि उनकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी का क्या फ़र्क है। तो मैं ये चाहूँगा आप सबसे कि आप सब दुआ करें हमारे लिए, हम इस केस में कूद तो पड़े, और जो एहतजाज हुआ उसके अंदर भी लोगों की तादाद जो थी वो कम थी, इन्फ्लुएंसर्स कोई थे नहीं, बड़े कोई नाम कोई आए नहीं, किसी ने आके मजम्मत नहीं की, तो ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। खैर, हमने तो अपना हक अदा किया और हम करते रहेंगे और आखिरी दम तक करेंगे, लेकिन मैं इस चीज़ पे हमेशा जो है वो आवाज़ उठाता रहूँगा, चाहे शाहरुख जतोई हो, चाहे नताशा इकबाल हो, या चाहे कोई और हो। इन सारी चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तस्वीर के दूसरे रुख पे चलते हैं, जिस रुख के तहत ये चीज़ हुई है कि नताशा की जो कुछ सपोर्टर्स हैं वो सोशल मीडिया पे जो है ना वो ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं जो स्क्रीन पे आपको दिखा दिए जाएंगे, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि गरीब तो होता ही अमीर के हाथ से मरने के लिए, और ये इन्फीरियर लोगों को जो है वो पैसे दे दो, और ये तो पैसों के लिए मरते हैं, पैसे दे दो। तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि ये मुल्क आपके बाप का नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके बाप का मुल्क है तो ये आपकी गलत फहमी है। बहुत क्लियर कट और क्लियर इंस्टांस पे आपको बता दूं कि गरीब बिकता नहीं है। गरीब को प्रेशराइज करा जा सकता है, लेकिन गरीब बिकता कभी भी नहीं है।
और अगर आपने बेटा नया नया पैसा देखा है और नए नए अमीर हुए हो तो ये आपको पता चल जाए कि इस दफ़ा जो आपको टकरे हैं वो टक्कर के लोग मिले हैं, तो आपको इस दफ़ा पता चल जाएगा कि गरीब कितना बिकता है और कितना नहीं बिकता। ये बात बाद में देखी जाएगी कि जो है वो हम कौन सी क्लास के हैं और आप कौन सी क्लास के हैं। इस मुल्क के आप बनाए हुए, आपके बाप दादा क्या करते थे वो पूरी दुनिया को पता है और आपको भी पता होगा, लेकिन ये चीज़ किसी को कहना कि गरीब जो है वो मरने के लिए पैदा हुआ है अमीर के हाथों, तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि इस बार आपकी बात गलत साबित हो जाएगी, क्योंकि ये कराची के गरीब हैं, ये आपकी तरह नहीं है और कराची शहर के लोगों को आप जानते भी नहीं हैं। वो किसी के पीछे लग जाए तो कब्र तक साथ नहीं छोड़ते उसका। तो मैं आपको इस बात का वादा करता हूँ कि इस केस में इंसाफ होगा और उस इंसाफ को आप सब देखेंगे, और ये रविश और ये रिवायत बदलेगी कि गरीब बिकता है, गरीब बिकता नहीं है, इस दफ़ा आपका बाप भी उसको नहीं खरीद सकेगा। इसी मैसेज के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा, दुआओं की गुजारिश है और मेरी ऐसे लोगों के लिए हिदायत की दुआ भी है कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।